होम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम पीएफसी सप्लाई के बारे में जानकारी देंगे जो कि एलईडी टीवी में लगी होती हैं और उसमें जो है किस प्रकार से वर्किंग करती है उसे आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको दिखा दूँ इस टाइप की ये पीएफसी सप्लाई होती है, आप इसे देख कर घबरा जाते हैं कि हमें जो है किस प्रकार से इसे रिपेयर करें। तो इसे रिपेयर करना बहुत आसान है, आज की वीडियो देख कर ही आप जो है आसानी से रिपेयर कर लेंगे। ये बड़ी होने की कोई मतलब नहीं है, आपको स्टेज बाई स्टेज समझना आना चाहिए। तो किस प्रकार से आप इसे जो है चेक करेंगे मैं दिखा दूँगा आपको। ये बहुत बड़ी सप्लाई है और ये सैमसंग कंपनी की है, तो इससे कोई मतलब नहीं है आपको कोई सी भी सप्लाई हो, बस आपको इस हिसाब से चल रहा है तो आपको इस हिसाब से ही आपको चेक करना है। तो किस प्रकार से आपको ये वीडियो मैं आपको ध्यान से समझना है आपको। ये जो है हमारी ये जो है यहाँ से न्यूट्रल और लाइन चलती है, चलने के बाद ये लीनियर से पावर सप्लाई के बाद यहाँ पे जो हमारे जो है 300 वोल्ट ये जो है कैपेसिटर है 300 वोल्ट यहाँ बन जाते हैं। 300 वोल्ट के बाद क्या होता है कि इसमें हमारी जो है सबसे पहले जो सप्लाई बनती है वो हमारी 5 वोल्ट या 3.3 वोल्ट बनेगी। आपके किसी भी SMPS हो, किसी भी PFC सप्लाई हो, उसमें 3.3 वोल्ट बनते हैं या फिर 5 वोल्ट बनते हैं। तो ये हमारा SMPS सर्किट जो है काम करेगा, हमारा 300 वोल्ट पे ही काम कर जाएगा, यानी कि 320 वोल्ट पे काम कर जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि ये जो है यहाँ MOSFET द्वारा ये सारा MOSFET ये PWM IC जो है इसे MOSFET को स्विचिंग करा के और ये हमारी जो है 5 वोल्ट बना देगी। 5 वोल्ट बनाने के बाद क्या होता है कि ये जो है हमारी ये तीनों कपलर किस प्रकार से काम करती हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये तो 5 वोल्ट बनने के बाद क्या होता है कि 5 वोल्ट से एक हमारा जो है वोल्टेज डिवाइडर बना दिया जाता है जो कि TL431 ये जो है मैंने यहाँ लिख दिया है TL431। तो 431 के पिन नंबर 1 पर दे दिया जाता है और इसकी जो है पिन नंबर 2 पर इसकी ग्राउंड दे दी जाती है। पिन नंबर 3 से जो है हमारे जो है ऑप्टो कपलर को लिए जो है सप्लाई आउट कर दी थी। इसकी पिन नंबर 1 पर एक रेजिस्टेंस लगा के लिमिट करके जो है यहाँ पर वोल्टेज दे दी जाती है, ग्राउंड यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद ये स्विचिंग करके इस PWM IC को बता देता है कि जो है हमारे 5 वोल्ट बनने हैं, उसके अनुसार जो है इसे स्विचिंग कराती रहती है। तो ये जो हमारी इस तरीके से जो है ये ऑप्टो कपलर काम करता है और TL431 तो इस प्रकार से ये स्विचिंग चलती रहती है। तो ये हमारे 5 वोल्ट जब बन जाते हैं तो उसके बाद मदरबोर्ड को जो है 5 वोल्ट पहुंचने के बाद मदरबोर्ड क्या करता है कि जब हम पावर ऑन करते हैं तो पावर ऑन के बाद क्या होता है कि देखा होगा तुम्हें PS ON लिखा हुआ था, PS ON इसे पावर ऑन सिग्नल बोलते हैं। तो जब हम रिमोट से PS ON करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये जो है NPN ट्रांजिस्टर लगा होता है, NPN ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल आएगा। सिग्नल आने के बाद इसकी इमीटर ग्राउंड है, ग्राउंड से क्या होता है कि इस वाले अपटो कपलर के पिन नंबर 1 पर हमारी 5 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस लगाकर लिमिट करके इसकी जो है एनोड पे दे दिया जाता है। तो जब इसे ग्राउंड मिलता है तो ग्राउंड यहाँ से मिलता है पॉजिटिव, यहाँ से मिलने के बाद क्या होता है कि ये जो है ऑप्टो कपलर हमारा काम करना शुरू कर देता है। शुरू करने के बाद क्या होता है कि इधर हमारा PNP ट्रांजिस्टर लगा हुआ, तो PNP ट्रांजिस्टर क्यों लगा हुआ है क्योंकि PNP ट्रांजिस्टर हमारे पॉजिटिव करना है। तो क्या होता है इसकी एक जो हमारी सप्लाई होती है 12 से 18 वोल्ट के बीच जो सप्लाई होती है वो सप्लाई को ये जो है आउट करने का कार्य करता है। तो ये किस प्रकार से करता है कि इसके जो है इमीटर पर जो है इसकी जो है सप्लाई दे दी जाती है PNP के। और क्योंकि जब यहाँ से ये स्विचिंग करता है और हमारी पावर ऑन आ जाती है, उसके बाद स्विचिंग करने के बाद क्या होता है कि ये यहाँ से 18 वोल्ट को यहाँ से आउट करके हमारे जो है PFC स्टेज को दे देता है और जो उसके बाद क्या होता है कि ऑसिलेटर स्टेज को भी ये हमारी जो है सप्लाई मिल जाती है। फिर क्या होता है कि उसके बाद जब यहाँ सप्लाई मिल जाती है इसे PFC स्टेज को, तो PFC स्टेज जब इसे सप्लाई मिलने के बाद क्या होता है ये जो है PFC स्टेज में जो हमारी IC लगी होती है वो जो है स्विचिंग करना शुरू कर देती है। जब स्विचिंग करना शुरू कर देती है तो अब मैं बता दूँ कभी कभी क्या होता है कि ये हमारी 300 वोल्ट की जगह पर यहाँ पर 390 वोल्ट होने चाहिए, 390 वोल्ट होते हैं तब हमारी जो है ऑसिलेटर जो है स्टेज कार्य करती है। तो 390 वोल्ट आप इस कैपेसिटर पर चेक करना है आपको कि हमारी PFC स्टेज काम कर रही है नहीं कर रही है।
अगर 390 वोल्ट आपकी नहीं बन रही तो हमारी इस वाली पीएफसी स्टेज में कमी होती है। जब पीएफसी स्टेज को आपको ठीक करना होगा, पीएफसी स्टेज में आपको क्या ठीक करना होगा, आपको ये सप्लाई चेक करनी होगी हमारी आ रही है नहीं आ रही है, और हमारा यहाँ पे मॉस्फेट लगा होगा, मॉस्फेट को चेक करना है, और जो है इसकी जो आईसी होगी वो है। अगर ये स्टेज आपको नहीं हो पाती तो मार्केट में एक माड्यूल आता है, आप माड्यूल भी लगा सकते हैं, फिर माड्यूल लगाना भी आपको मैं जो है बता दूंगा। तो इस प्रकार से यहाँ हमारी जब हम पीएफसी, इसके बाद फर्स्ट नंबर होती है हमारी ये सप्लाई, दूसरे नंबर पर होती है हमारी ये सप्लाई, उसके बाद ये 390 वोल्ट जब बना देती है तो क्या होता है कि 390 वोल्ट बनाने के बाद ये हमारी जो ऑसिलेटर सर्किट को, ऑसिलेटर सर्किट को जो है यहाँ पे जो हमारे 390 वोल्ट जब बन जाते हैं, इस जगह पे 390 वोल्ट बन जाते हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी सप्लाई आई हुई होती है तो ये जो है स्विचिंग करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये वाली जो सप्लाई है वो 390 वोल्ट पे जो है स्विचिंग करता है, क्योंकि यहाँ से जो है एक वोल्टेज डिवाइडर होता है जो इसे बता देता है कि 390 वोल्ट बन गए। तो इसके बाद क्या होता है, ये इसमें जो होते हैं ऑसिलेटर स्टेज में दो मॉस्फेट लगे होते हैं, क्योंकि इसमें जो है हाई फ्रिक्वेंसी की आउट होती है, जिसकी वजह से कि हमें 320 वोल्ट से जो है इसमें जो 24 से 36 वोल्ट ये हमारी जो बैक लाइट के लिए और जो इसके ऑडियो आईसी के लिए जो है ये सप्लाई बनाती है। अगर हमारी बैक लाइट नहीं जल रही और ऑडियो नहीं चल रही तो हमारे जो है इस स्टेज का फॉल्ट होता है। तो इस स्टेज में क्या होता है कि ये जो हम जो मॉस्फेट चेक करते हैं, ये डायोड भी शॉर्ट हो सकते हैं, इन्हें भी चेक करते हैं। अगर ये आपके पास मॉस्फेट नहीं मिल रहे हैं तो इसका भी एक मॉड्यूल आता है, वो मॉड्यूल आप लगा सकते हैं, वो भी मैं आपको लगाना बता दूंगा। तो ये भी किस प्रकार से काम करता है कि ये जो है हमारी ये 24 से 36 वोल्ट बन रही है नहीं बन रही, तो यहाँ एक वोल्टेज डिवाइडर बना दिया जाता है, उसके बाद जो TL443 बन के इस वाले पॉइंट पे मैं बता दूं, कभी भी चेक करोगे तो 2.5 वोल्ट मिलेगा आपको, यहाँ पे भी जो है 2.5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो है TL431 2.5 वोल्ट पे ही वर्क करता है। तो ये 2.5 वोल्ट यहाँ पे चेक करना है आपको, अगर ये 2.5 वोल्ट है तो यहाँ से अगर काउंट आउट नहीं कर रहा, ये मैं दिखा, ये 5 वोल्ट से लगा हुआ है, 5 वोल्ट वाली सप्लाई से यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। तो इस प्रकार से आप इस जो पीएफसी सर्किट को जो है आसानी से चेक कर सकते हैं, और जो है इसको बस समझने की बात है, आपकी तीन कपलर देख के ही जो घबरा जाता है कि कौन सा कपलर किस कार से कार्य करता है। तो एक कपलर जो हमारी फर्स्ट सप्लाई को ऑन करने के लिए होता है, दूसरा जो होता है कि हमारी जो ये सप्लाई होती है इसे ऑन करने के लिए होता है, ये दोनों पीएफसी सर्किट को स्टेज को और जो ऑसिलेटर स्टेज को सप्लाई ये 18 वोल्ट यहाँ से जो बनती है उसे आउट करने के बाद ये यहाँ गए चली जाती है और ये दोनों जगह चली जाती है, उसके बाद जो है ये दोनों स्टेज जो हमारा वर्क करना शुरू कर देते हैं, और इस प्रकार से जो हमारी जो है 24 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है। तो मैं बता दूं कि आपको ये जो सप्लाई देखने में ही लग रही है, जब आप ट्रेस करेंगे तो इस सप्लाई को बहुत आसानी से आप रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आसानी से देखें और अच्छे तरीके से देखें इसे, तो आपको जो है पीएफसी सर्किट के बारे में अगर कोई आपको आपकी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके बताएं, और जो मैं उसकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।